नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बरेली में बीजेपी के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी की शादी के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, भोपाल के एक परिवार का आरोप है कि अजितेश ने उनकी बेटी से सगाई की थी, वो भी 3 साल पहले, लेकिन बाद में उसने साक्षी से शादी कर ली। आपको हम बता दें, बरेली के ये विधायक है और उनकी बेटी साक्षी जो कि अभी कुछ दिनों से चर्चा में है, और लगातार आपको कल भी आज तक के स्टूडियो में ये दोनों यहां पर मौजूद थे और इन्होंने कहा था कि इनके पिता से, जो विधायक पिता है, उनसे साक्षी को डर लग रहा है, जान का खतरा है। और साक्षी ने कहा कि अब इन दोनों ने शादी कर ली है, अंतरजातीय शादी की वजह से बताया जा रहा है कि उनके पिता खफा थे, लेकिन उनके पिता भी सामने आए। उन्होंने कहा कि चूंकि लड़की बालिग है इसलिए अब उन्हें कोई एतराज नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक नई बात, एक नया ट्विस्ट जो आ गया है वो ये है कि साक्षी के पति अजितेश को लेकर, अजितेश की 3 साल पहले सगाई हुई थी ये दावा किया है भोपाल के एक परिवार ने। और जिस शख्स ने इसका दावा किया है कि सगाई की थी उनकी बेटी से अजितेश ने, उनसे बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के रहने वाले हेमंत नायक, जिनकी बेटी से 2016 में सगाई की थी अजितेश ने। हम उनसे बात करते हैं कि ये पूरा अब घटनाक्रम सबके सामने है, देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। अजितेश कैसे आप लोगों के संपर्क में आया था, सगाई जब हुई, ये किस तरीके से दोनों परिवार एक हुए थे उस दौरान? चूंकि भोपाल में इनका आना जाना था, अजितेश जी के परिवार का, यहाँ भोपाल में उनकी एक बड़ी बहन की शादी हुई है जो भोपाल में ही रहती हैं, और चूंकि सजातीय बंधु थे, सामाजिक बंधु थे, उनका भोपाल आना जाना था। इस दौरान मेरा उनसे संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद फिर आना जाना हुआ, मिलना जुलना हुआ सामाजिक कार्यक्रमों में, इस दौरान उनसे संपर्क हुआ मेरा। फिर क्या, कब ये बात हुई थी, चर्चा कब हुई थी सगाई के लिए आप लोगों से, कब उन्होंने बात की और कब सगाई हुई, कहाँ हुई? बच्चे ने कहा कि, मुझसे कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कितनी बेटियाँ? मेरी 5 बेटियाँ हैं। सबसे छोटी बेटी है? सबसे छोटी है, सबसे छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखते हैं भाई, सोचते हैं, विचार करते हैं, मैं परिवार में बात करूँ। कोई वजह बताई उन्होंने, क्योंकि सबसे छोटी बेटी है तो अमूमन कोशिश होती है पहले बड़ी बेटी की शादी हो? हाँ नहीं, मैंने उनको यही दी, मैं ही बताया उनको कि मेरी 5 बेटियाँ हैं जिसमें से 3 बेटियों की शादी नहीं हुई है, तो मैं उस हिसाब से शादी करूँगा, पहले बड़ी की करूँगा, इसके बाद छोटी की करूँगा, उसको अभी 3 साल और मुझे नहीं करना है, जब तक मैं 2 बेटियों की। वो जिद पे आ गए, बोले नहीं साहब, तो छोटी बेटी से ही पापा जी मुझे शादी करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं विचार करता हूँ, देखता हूँ, परिवार से पूछता हूँ। मैंने परिवार में विचार विमर्श किया, क्योंकि मुझे भी समाज में जवाब देना पड़ेगा कि साहब 2 बेटियाँ बड़ी घर में हैं, आप छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहे हो, सगाई क्यों कर रहे हो, शादी क्यों कर रहे हो, तो मुझे भी जवाब देना पड़ता। फिर घर में परिवार के लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपन देखेंगे बाद में, शादी कर देते हैं। तो ये रिश्ता तय हुआ। कब सगाई हुई और कहाँ पे हुई थी आपकी भोपाल में? 10 जुलाई 2016 को भोपाल के एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई, जिसमें इनके परिवार के सभी लोग उपस्थित हुए, बरेली से सभी लोग आए, मेरे घर आए, जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि इस तरीके से होटल में आपको कार्यक्रम करना है, ऐसा करना। दौरान कुछ मांगे रखी थी सगाई के दौरान उन लोगों ने, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, खर्च कितना होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मांगे वांगे तो कुछ भी नहीं रखी थी, लेकिन हाँ उन्होंने कहा था कि होटल में ये व्यवस्था होना चाहिए, 60-70 लोगों की व्यवस्था आपको रखना है, ये है वो है, जो भी वो खर्च होता है वो आपको करना है, और जैसा कि अपन रीति रिवाज के अनुसार के अब इंगेजमेंट है तो कुछ अंगूठी वंगूठी भी देना पड़ता है, जो लोग आए उनको कपड़े वपड़े भी देना पड़ता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से मैंने उनको सबका स्वागत। जुलाई 2016 में सगाई हुई, सगाई टूटी क्यों, कब टूटी और क्या उन्होंने कुछ वजह बताई इसके पीछे? नहीं 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 नहीं, क्या है कि 10 जुलाई 2016 के बाद से शादी की तारीख भी तय हो गई, 9 दिसंबर 2016 शादी की तारीख तय हो गई और शादी की पूरी तैयारियां कर ली गई दोनों परिवार से, दोनों परिवार की ओर से, और सब प्रकार की तैयारियां हो गई, लेकिन बीच में मंथ अक्टूबर 2016 में उनकी माताजी का अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण वो
मैं स्वयं, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि माता जी को अटैक आया है, हॉस्पिटल में है। मैं पूरे परिवार सहित गया, परिवार सहित जाके मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरा कार्यक्रम, उस बेटी को भी ले गया साथ में, उन्होंने कहा बेटी को भी लाओ साथ में, मैं बेटी को ले गया, बेटी ने मेरा पूरा उनका कार्यक्रम किया, सब किया, मैंने पूरा कार्यक्रम वहाँ निपटाया। अब चूंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सवा महीने तक बात नहीं करते हैं शादी वादी की, तो मैंने उसमें शादी की कोई चर्चा नहीं की। लेकिन और यूपी के बीजेपी विधायक राजेश मिश्र की बेटी साक्षी को पुलिस ने सुरक्षा देने का ऐलान किया है। बरेली के एसएसपी ने कहा है कि सुरक्षा पाने के लिए साक्षी अपना ठिकाना बताए। साक्षी ने अजितेश नाम के शख्स के साथ अंतरजातीय विवाह किया है और परिवार वालों से जान का खतरा है। मेरे भाई ने मुझसे कभी साक्षी नहीं बोला, एक्चुअली मेरा निकनेम शीनू है। बताइए कहां पर हमने इनको धमकाया, ये प्रूफ करें हमें। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है। साक्षी मिश्रा फौलाद की तरह जमाने से टकराने के लिए तैयार है। तौल जी प्लीज, आप अपनी मोहब्बत के लिए ऐलान जंग कर चुकी है कि मैंने सच में शादी कर ली है। यूपी के दबंग बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने अपनी पसंद के लड़के अजितेश से मोहब्बत की और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी। इस रिश्ते से नाखुश पिता और परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। आज तक के स्टूडियो में पहुंचे साक्षी और अजितेश ने अपने रिश्ते की पूरी कहानी सुनाई, अपने रिश्ते पर मंडरा रहे खतरे को भी बयां किया। बिल्कुल भरोसा नहीं है और उनका स्टेटमेंट देखने के बाद ही मैंने इनको बोला कि हम भी मीडिया के पास जाएंगे और हेल्प लेंगे उनकी, क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। इतना नॉर्मल रिएक्ट तो उन्होंने आज तक किसी बात पे नहीं किया और ये चीज़ तो बहुत बड़ी है उनके लिए कि मैंने घर से जाकर और उनके अगेंस्ट जाकर शादी कर ली। जनता के लिए कुछ और, घर में अपनी बेटी के लिए कुछ और, उनका स्लोगन था कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब विधायक बने थे तो वो घर की बेटी के लिए जिस तरीके से रख रहे थे वो बात अलग थी, और बाहर जो रिप्रेजेंट करते हैं खुद को वो चीज़ अलग थी। लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। यूपी के बरेली की 23 साल की साक्षी के वायरल वीडियो ने पहले दुनिया के सामने अपना दर्द बयां किया था। बताया कि कैसे उनके विधायक पिता दलित परिवार से आने वाले अजितेश से उसकी शादी के खिलाफ है। उन्होंने ना मुझे मास्टर्स के लिए भेजा और फिर वो अपनी मर्जी से जहाँ भी शादी करते, तो मुझे, मैं 100% इस बात से श्योर हूँ कि वो अपनी थिंकिंग के बंदे से मेरी शादी करते। आज तक से बातचीत में साक्षी के पिता ने साफ साफ कह दिया कि बेटी बालिग है और उसे अपने फैसले लेने की आज़ादी है। मैंने कल भी बता दिया मुझसे उसे कोई खतरा नहीं, वो बालिग है, अपना निर्णय खुद ले सकती है, समझदार है, जहाँ चाहे शादी करे, जहाँ चाहे रहे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने बात ही नहीं करी किसी से। साक्षी के पति अजितेश ने कहा कि दलित होने की वजह से ही लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए। साक्षी ने अपने पिता के करीबी राजीव नाम के शख्स पर कई संगीन आरोप जड़ दिए। साक्षी और अजितेश बार बार अपनी जान पर खतरा बताते रहे, ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा देने का ऐलान किया है। मिसिंग ना ही मैं मिस हुई हूँ और ना ही मेरी किडनैपिंग हुई है। उनका सिक्योरिटी चाहे मतलब अब किसी भी जनपद में रहता है उस जनपद के एसएसपी के साथ जाके मिलेगी। मैं कंसर्न एसएसपी से बात करूंगा, वहाँ से उनके कितना पोस्ट है उतना पोस्ट दिलवा के वो बरेली आना चाहती है वो वहाँ से आएगी, उसके बाद हम हमारा प्रोटेक्शन देना हमारा दायित्व है, मैं 100% उसका प्रोटेक्शन देंगे। पुलिस साक्षी और अजितेश को सुरक्षा देने के लिए तैयार है। आज तक पर साक्षी ने अपने परिवार, अपने पिता से गुहार लगाई, जिंदगी जीने की दुहाई मांगी। उम्मीद है कि दो दिलों के इस मिलाप को परिवार भी स्वीकार करेगा, समाज भी, भले ही थोड़ा वक्त लगे। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।